तमाम शायकीन अदब का जो हमारे इस महफिल में शरीक हैं। और इससे कबल मैं ये बताना चाहूँगी कि आज का ये जो प्रोग्राम है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाल ही की याद में है, और आज मुसद्दस से कुछ मुंतखब बंद यहाँ पेश किए जाएंगे जिसके लिए हमने दावत दी है डॉक्टर जावेद कमाल साहब को। लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ यहाँ पेश कर दूँ। मोहसिन उर्दू शायर नसर निगार साहब तर सवाने निगार और मुस्लिह कौम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिन्होंने अदबी और माशरती सतह पर ज़िंदगी के बदलते हुए तकाज़ों को महसूस किया और अदब व माशरत को उन तकाज़ों से हम आहंग करते हुए उसमें एक अहम किरदार अदा किया। 1837 में पानीपत में पैदा हुए, 9 बरस की उम्र में वालिद के साए से महरूम हो गए, बड़े भाई ने परवरिश की, इब्तदाई तालीम पानीपत में हुई। मौलाना हाली कम उम्र ही में हाफिज़ कुरान बन गए थे। पानीपत और देहली में फारसी, अरबी, फ़लसफ़ा, मंतिक और हदीस व तफसीर की किताबों का आपने मुताला किया। अदब में उन्होंने जो ख़ास बसीरत हासिल की वो उनके अपने मुताले की बदौलत थी। उनके अहम तसानीफ़ में हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, मुकदमे शेर व शायरी शामिल हैं। मुकदमे शेर व शायरी के ज़रिए ही मौलाना हाली ने उर्दू तनकीद की बाकायदा बुनियाद रखी। आज मुसद्दत से कुछ हिस्से पेश किए जाने वाले हैं, तो मुसद्दत से हाली के मुतालिक सर सैयद का जो एक अहम मशहूर जुमला है वो जहन में आ रहा है कि सर सैयद ने कहा था कि अगर रोज़े महशर खुदा ने पूछ लिया कि तुम दुनिया से क्या लाए हो अपने साथ, तो मैं कह दूंगा कि हाली से मुसद्दस लिखवाई है। तो हाजरीन, मुसद्दस हाली से मुंतखब हिस्से पेश करने के लिए हमारी दावत पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद कमाल साहब। मैं उनका दिल की गहराइयों से इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ, लेकिन उससे पहले उनका मुख्तसर सा तारुफ पेश खिदमत है। डॉक्टर जावेद कमाल साहब पेश तदरीस से वाबस्ता रहे, गवर्नमेंट डिग्री एंड पीजी कॉलेज फॉर वुमेन हुसैन आलम हैदराबाद से बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हुए हैं। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद में 10 साल तक आप जिस वक्ती अनाउंसर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो हैदराबाद और दूरदर्शन में बी हाई ग्रेड ड्रामा आर्टिस्ट भी आप हैं। अंजुमन रेख्ता गोयान ऐवान फनकार न्यू ड्रामेटिक ग्रुप ऑफ हैदराबाद के मोतमद उमूमी हैं। इसके अलावा फाइन आर्ट्स एकेडमी और हैदराबाद फूल्स पैराडाइज हैदराबाद में अहम उहदों पर फायज हैं। उर्दू एकेडमी आंध्र प्रदेश ने आपको बेस्ट लेक्चरर अवार्ड से भी नवाजा है। आप इसके अलावा कारनामे हयात के लिए भी आपको मुंतखब किया गया है और अवार्ड से नवाजा गया है। अहमद अली मेमोरियल सोसाइटी हैदराबाद ने अलम बरदार उर्दू अवार्ड भी आपको नवाजा गया है बज़्मे इल्म अदब हैदराबाद की जानिब से। जश्न तेलंगाना स्टेट के पहले जश्न के मौके पर तमसीली मुशायरा, गजल का सफर वगैरह की पेशकश पर भी आपको एजाज कारनामे हयात अवार्ड से भी नवाजा गया है। उर्दू एकेडमी रियासत तेलंगाना ने कारनामे हयात अवार्ड बराए तदरीस 2017 आपको नवाजा है। तो हमें बड़े एहतराम के साथ डॉक्टर जावेद कमाल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो मुसद्दस से जो मुंतखब हिस्से हैं वो पेश करें। डॉक्टर जावेद कमाल साहब। शुरुकाए बाजगश्त को अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्राम बाजगश्त के सरपरस्त व सदर और आज की नशिस्त के मेहमान खसूसी और प्रोग्राम के कन्वीनर व मुंतजमीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज के इस अहम प्रोग्राम में मुझे शिरकत का मौका दिया। लीजिए हाजिर है अल्ताफ़ हुसैन हाली की तवील नज्म मद्दो जजर इस्लाम से, यानी मुसद्दस हाली से चंद बंद। जमाने में हैं ऐसी कौमें बहुत सी, नहीं जिनमें तख़सीस फरमान देही की, पर आफत कहीं ऐसी आई न होगी कि घर घर पे यहाँ छा गई आके पस्ती। चकोर और शहबाज सब औज पर हैं, मगर एक हम हैं कि बेबालो पर हैं। वो मिल्लत के गर्दों पे जिसका कदम था, हर एक खोट में जिसका बरपा अलम था, वो फिरखा जो आफाक में मोहतरम था, वो उम्मत लखब जिसका खैरुल उमम था।
निशां उसका बाकी है सिर्फ इस कदर यहां कि गिनते हैं अपने को हम भी मुसलमान। वगरना हमारी रगों में लहू में हमारे इरादों में और जस्तजू में दिलों में जबानों और गुफ्तगू में तबीयत में फितरत में अदावत में खू में आदत में खू में नहीं कोई जर्रा नजाबत का बाकी अगर हो किसी में तो है इत्तेफाकी। हमारी हर एक बात में सिफलापन है कमीनों से बदतर हमारा चलन है लगा नाम आबा को हमसे गहन है हमारा कदम नंगे अहले वतन है बुजुर्गों की तौखीर खोई है हमने अरब की शराफत डुबोई है हमने न कौमों में इज्जत न जलसों में वक़्त न अपनों से उल्फत न गैरों से मिल्लत मिजाजों में सुस्ती दिमागों में नकबत ख्यालों में पस्ती कमालों से नफरत अदावत नेहा दोस्ती आशकारा गरज की तवाजो गरज की मुदारा न अहले हुकूमत के हम राज हम हैं न अहले हुकूमत के हम राज हैं हम न दरबारियों में सरफराज हैं हम न इल्मों में शायान एजाज हैं हम न सनत में हिरफत में मुमताज हैं हम न रखते हैं कुछ मंजिलत नौकरी में न हिस्सा हमारा है सौदागरी में तनज्जुल ने की है बुरी गत हमारी बहुत दूर पहुंची है नकबत हमारी गई गुजरी दुनिया से इज्जत हमारी नहीं कुछ उभरने की सूरत हमारी पड़े हैं एक उम्मीद के हम सहारे तवक्को पे जन्नत की जीते हैं सारे सियाहत की गौ है न मर्दे सफर हैं खुदा की खुदाई से हम बेखबर हैं दीवारें घर की जो पेशे नजर हैं यही अपने नजदीक हद्दे बसर हैं है तालाब में मछलियां कुछ फराहम वही उनकी दुनिया वही उनका आलम बहिश्त और इरम सलसबील और कौसर पहाड़ और जंगल जजीरे समंदर इसी तरह के हैं और भी नाम अक्सर किताबों में पढ़ते रहे हैं बराबर पर जब तक न देखें कहें किस यकीन पर कि ये आसमां पर हैं या हैं जमीन पर वो बेमोल पूंजी के है असल न दौलत वो बेमोल पूंजी के है असल दौलत वो शाइस्ता मुल्कों का गंजे सआदत वो आसूदा कौमों का रासुल बिजात वो दौलत के है वक्त जिससे इबारत नहीं उसकी वक्त नजर में हमारी यूं ही मुफ्त जाती है बर्बाद सारी कहीं बाप दादा का है नाम लेते कहीं रूशनासी से है काम लेते कहीं झूठे वादों पर है दाम लेते यूं ही सबको दम दे के हैं दाम लेते बुजुर्गों के नाजा है जिस नाम पर वो उसे बेचते फिरते हैं दर बदर वो यह ढंग उन ताजा आफत जदों के यह ढंग उन ताजा आफत जदों के बहुत कम जमाना हुआ जिनको बिगड़े अभी एक आलम है आगाह जिनसे कि हैं किसके बेटे वो और किसके पोते कि हैं किसके बेटे वो और किसके पोते जिन्हें देश परदेश सब जानते हैं हसब और नसब जिनका पहचानते हैं मगर मिट चुका जिनका नामो नशा है पुरानी हुई जिनकी अब दास्तां है फसानों में किस्सों में जिनका बयां है बहुत नस्ल पर तंग उनकी जहां है नहीं उनकी
कदर और पुरसिश कहीं अब उन्हें भीख तक कोई देता नहीं अब। बहुत आग चिलमों की सुलगाने वाले, बहुत घास की गठरियां लाने वाले, बहुत दर बदर मांग कर खाने वाले, बहुत फाखा कर करके मर जाने वाले, जो पूछो कि किस कान के हैं वो जौहर, जो पूछो कि किस कान के हैं वो जौहर, तो निकलेंगे नस्ले मुलूक इनमें अक्सर, तो निकलेंगे नस्ले मुलूक इनमें अक्सर। इन्हीं के बुजुर्ग एक दिन हुक्मरान थे, इन्हीं के परस्तार पीरो जवां थे, यही मामन आजिज व नातवां थे, यही मर्जा वेलम व इस्फहां थे, यही करते थे मुल्क की गल्लाबानी, उन्हीं के घरों में थी साहेब किरानी। ये ऐ कौम इस्लाम इबरत की जा है कि शाहों की औलाद दर बदर गदा है, ये ऐ इस कौम इस्लाम इबरत की जा है कि शाहों की औलाद दर दर गदा है, जिसे सुनिए इफलास में मुबतला है, जिसे सुनिए इफलास में मुबतला है, जिसे देखिए मुफलिस वो बेनवा है। नहीं कोई इनमें कमाने के काबिल, नहीं कोई इनमें कमाने के काबिल, अगर हैं तो हैं मांग खाने के काबिल। न आगाज पर अपने गौर उनको असला, न आगाज पर अपने गौर उनको असला, न अंजाम का अपने कुछ उनको खटका, न फिक्र उनको औलाद की तरबियत का, न फिक्र उनको औलाद की तरबियत का, न कुछ जिल्लत कौम की उनको परवाह, न हक कोई दुनिया पे उनका न दी पर, न हक कोई दुनिया पे उनका न दी पर, खुदा को वो क्या मुंह दिखाएंगे जाकर, खुदा को वो क्या मुंह दिखाएंगे जाकर, किसी कौम का जब उलटता है दफ्तर तो होते हैं मस्त उनमें पहले तवंगर, किसी कौम का जब उठता है दफ्तर तो होते हैं मस्क उनमें पहले तवंगर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, कमाल उनमें रहते हैं बाकी न जौहर, न अक्ल उनकी हादी न दी उनका रहबर, न अक्ल उनकी हादी न दी उनका रहबर, न दुनिया में जिल्लत न इज्जत की परवाह, न दुनिया में जिल्लत न इज्जत की परवाह, न उगबा में दोजख न जन्नत की परवाह, न मजलूम की आहवजारी से डरना, न मफलूक के हाल पर रहम करना, हवा व हवस में खुदी से गुजरना, तायुश में जीना नुमाइश पर मरना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, दमे नजा तक खुद फरामोश रहना, सदा ख्वाब गफलत में बेहोश रहना, दमे नजा तक खुद फरामोश रहना, परेशान अगर कहत से एक जहां है, परेशान अगर कहत से एक जहां है, तो बेफिक्र है क्योंकि घर में समा है, तो बेफिक्र है क्योंकि घर में समा है, अगर बाग उम्मत में फसले खिजा है तो खुश है कि अपना चमन गुलफिशा है, तो खुश है कि अपना चमन गुलफिशा है, बनी नौ इंसान का हक उन पर क्या है, बनिए नौ इंसान का हक उन पर क्या है, वो एक नौ नौ ए बशर से जुदा है, कहां बंदगान जलील और कहां वो बसर करते हैं बेगम खुवते ना वो, कहां बंदगान जलील और कहां वो बसर करते हैं बेगम खुवते ना वो, पहनते नहीं जुजे समूर व कता वो, पहनते नहीं जुजे समूर व कता वो, मकान रखते हैं रश के खुलदो जिना वो, मकान रखते हैं रश के खुलदो जिना वो, नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, नहीं रहते बे नगमाओ साज दम भर, नहीं रहते बे नगमाओ साज दम भर, कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी, कमर बस्ता है लोग
खिदमत में उनकी गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी, नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नजाकत 100 दाखिल है आदत में उनकी, दवाओं में मुश्क उनके उठता है ढेरों, दवाओं में मुश्क उनके उठता है ढेरों, वो पोशाक में अत्र मलते हैं शेरों, वो पोशाक में अत्र मलते हैं शेरों, मगर दीन बरहक का बोसीदा ऐवां, मगर दीन बरहक का बोसीदा ऐवां, तजलजुल में मुद्दत से है जिसके अरकां, जमाने में है जो कोई दिन का मेहमान, जमाने में है जो कोई दिन का मेहमान, ना पाएंगे ढूंढे जिसे फिर मुसलमान, ना पाएंगे ढूंढे जिसे फिर मुसलमान, अजीजों ने इससे तवज्जो हटा ली, इमारत का है इसकी अल्लाह वाली, अजीजों ने इससे तवज्जो हटा ली, इमारत का है इसकी अल्लाह वाली, पड़ी है सब उजड़ी हुई खानखाहें, पड़ी है सब उजड़ी हुई खानखाहें, वो दरवेश वो सुल्तान की उम्मीद गाहें, खुली थी जहां इल्म बातिन की राहें, खुली थी जहां इल्म बातिन की राहें, फरिश्तों की पड़ती थी जिन पर निगाहें, कहां है वो जज्ब आगही के फंदे, कहां है वो अल्लाह के पाक बंदे, वो इल्म शरीयत के माहिर किधर हैं, वो अखबार दीन के मुबस्सिर किधर हैं, वो इल्म शरीयत के माहिर किधर हैं, वो अखबार दीन के मुबस्सिर किधर हैं, उसूली किधर हैं, मनाजिर किधर हैं, मुहद्दिस कहाँ हैं, मुफस्सिर किधर हैं, वो मजलिस जो कल सर बसर थी चरागां, चराग अब कहीं टिमटिमाता नहीं वहां, वो मजलिस जो कल सर बसर थी चरागां, चराग अब कहीं टिमटिमाता नहीं वहां, मदारिस व तालीम दीन के कहाँ हैं, मराहिल व इल्मो यकीन के कहाँ हैं, मदारिस व तालीम दीन के कहाँ हैं, मराहिल व इल्मो यकीन के कहाँ हैं, वो अरकान शरय मती के कहाँ हैं, वो अरकान शरय मती के कहाँ हैं, वो वारिस रसूल अमी के कहाँ हैं, रहा कोई उम्मत का मलजा न मावा, रहा कोई उम्मत का मलजा न मावा, न खाजी न मुफ्ती न सूफी न मुल्ला, न खाजी न मुफ्ती न सूफी न मुल्ला, कहाँ है वो दीनी किताबों के दफ्तर, कहाँ है वो इल्म आगही के मंजर, कहाँ है वो दीनी किताबों के दफ्तर, कहाँ है वो इल्म आगही के मंजर, चली ऐसी इस बज़्म में बाद सरसर, बुझी मशअले नूरे हक की सरासर, रहा कोई सामा न मजलिस में बाकी, सुराही न तंबूर मुतरिब न साकी, रहा कोई सामा न मजलिस में बाकी, सुराही न तंबूर मुतरिब न साकी, बहुत लोग बनकर हवा ख्वाहे उम्मत, बहुत लोग बनकर हवा ख्वाहे उम्मत, सफीहों से मनवा के अपनी फजीलत, सफीहों से मनवा के अपनी फजीलत, सदा गांव दर गांव नौबत नबूबत, पड़े फिरते हैं करते तहसील दौलत, पड़े फिरते हैं करते तहसील दौलत, ये ठहरे हैं इस्लाम के रहनुमा अब, ये ठहरे हैं इस्लाम के रहनुमा अब, लकब उनका है वारिस अंबिया अब, लकब उनका है वारिस अंबिया अब, बहुत लोग पीरों की औलाद बनकर, नहीं जात वाला में कुछ जिनको जौहर, नहीं जात वाला में कुछ जिनको जौहर, बड़ा फक्र है जिनको ले दे के इस पर, कि थे उनके असलाफ मकबूल और, कि थे उनके असलाफ मकबूल वो और, करिश्मे हैं जा जा के झूठे दिखाते, करिश्मे हैं जा जा के झूठे दिखाते, मुरीदों को हैं लूटते और खाते, मुरीदों को हैं लूटते और खाते, यह है ज्यादा पैमाए राह तरीकत, यह है ज्यादा पैमाए राह तरीकत, मकाम इनका है मावराए शरीयत, मकाम इनका है मावराए शरीयत, इन्हीं पर है खत्म आज कशफ़ो करामत,
इन्हीं पर है खत्म आज कश को करामत, इन्हीं के है कब्जे में बंदों की किस्मत, इन्हीं के है कब्जे में बंदों की किस्मत। यही है मुराद और यही है मुरीद अब, यही है मुराद और यही है मुरीद अब, यही है जुनेद और यही बायजीद अब, यही है जुनेद और यही बायजीद अब। बढ़े जिससे नफरत वो तहरीर करनी, जिगर जिससे शक हो वो तकरीर करनी, गुनहगार बंदों की तहकीर करनी, मुसलमान भाई की तकफीर करनी। ये है आलिमों का हमारे तरीका, ये है आलिमों का हमारे तरीका, यह है हादियों का हमारे सलीका, यह है हादियों का हमारे सलीका। कोई मसला पूछने उनसे जाए तो गर्दन पे बारे गरां लेके आए, अगर बदनसीबी से शक उसमें लाए तो कतई खिताब अहले दोजख का पाए, अगर बदनसीबी से शक उसमें लाए तो कतई खिताब अहले दोजख का पाए, अगर एतराज उनकी निकला जबां से, अगर एतराज उसकी निकला जबां से तो आना सलामत है दुश्वार वहां से, तो आना सलामत है दुश्वार वहां से। कभी वो गले की रगें फुलाते, कभी वो गले की रगें हैं फुलाते, कभी झाग पर झाग मुंह मिलाते, कभी खोक और सग हैं उनको बनाते, कभी खोक और सग हैं उसको बनाते, कभी मारने को असाहें दिखाते, कभी मारने को असाहें दिखाते। सुतों व चश्मे बद्दूर हैं आप दी के, सुतों व चश्मे बद्दूर हैं आप दी के, नमूना है खलखे रसूले अमी के, नमूना है खलखे रसूले अमी के। वो दी जिसने उल्फत की बुनियाद डाली, वो दी जिसने उल्फत की बुनियाद डाली, किया जमा दौरा को नफरत से खाली, किया जमा दौरा को नफरत से खाली, बनाया जानिब को जिसने मवाली, हर एक कौम के दिल से वहशत निकाली। अरब और हबश तुर्क ताजिक वो वैलम हुए सारे शीरो शकर मिल के बाहम, हुए सारे शीरो शकर मिल के बाहम। तासुब ने उस साफ चश्मे को आकर किया बग्ज ने खारो नफस से मुकद्दर, तासुब ने उस साफ चश्मे को आकर किया बग्ज से खारो नफस से मुकद्दर, बने खसम जो थे अजीज और बर और, बने खसम जो थे अजीज और बर और, निफाक अहले किबला में फैला सरासर, निफाक अहले किबला में फैला सरासर। नहीं दस्तयाब ऐसे अब दो मुसलमान, नहीं दस्तयाब ऐसे अब दो मुसलमान, कि हो एक को देखकर एक शादां। हमारा ये हक था कि सब के यार होते, हमारा ये हक था कि सब यार होते, मुसीबत में यारों के गमख्वार होते, मुसीबत में यारों के गमख्वार होते, सब एक एक के बाहम मददगार होते, सब एक एक के बाहम मददगार होते, अजीजों के गम में दिल अफगार होते। जब उल्फत में यूं होते साबित कदम हम तो कह सकते अपने को खैरुल उमम हम, जब उल्फत में यूं होते साबित कदम हम तो कह सकते अपने को खैरुल उमम हम। अगर भूलते हम ना खौले पयंबर के हैं सब मुसलमान बाहम बिरादर, अगर भूलते हम न खौले पयंबर के हैं सब मुसलमान बाहम बिरादर, बिरादर रहे जब तक बिरादर का दर, बिरादर रहे जब तक बिरादर का दर, मुईन उसका खुद है खुदावंद दावर, मुईन उसका खुद है खुदावंद दावर। तो आती न बेड़े पे अपने तबाही, फकीरी में भी करते हम बादशाही। शुक्रिया। बहुत खूब डॉक्टर जावेद कमाल साहब, हम आपको उम्दा पेशकश पर मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके ममनून हैं। कबल इसके कि मैं आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब से खिताब की दरख्वास्त करूं, अपने साथी डॉक्टर हुमैरा सईद से गुजारिश करती हूं कि वो आज के मेहमान खुसूसी का तारुफ पेश करें।
डॉक्टर हूँ मेरा सईद। शुक्रिया डॉक्टर गुले राना। बाज़गश्त ऑनलाइन अदबी फोरम के आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ बतौर मेहमान खसूसी तशरीफ़ फरमा हैं प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, इंचार्ज रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के डीन भी हैं, CPDUMT के डायरेक्टर रह चुके हैं, मानो से तकरीबन 2008 से जुड़े हैं और मुख्तलिफ जिम्मेदार ओहदों पर फायज रहे हैं। आपके खिदमत के एतराफ़ के तौर पर ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन नई दिल्ली की जानिब से सन 2018 में एजाज से नवाजा गया। आपने उर्दू और अंग्रेजी में मास्टर की डिग्री हासिल की, MEd हैं और एजुकेशन में PhD की है। मुख्तलिफ तंजीमी तालीमी और तदरीसी जिम्मेदार ओहदों पर फायज रह चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में DEd, BEd, MEd, MPhil और PhD की निसाब को तरतीब भी दिया है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के मुमतहिन हैं, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिद्दा के स्टूडेंट काउंसलर रह चुके हैं, दो तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं, कई जर्नल्स की इदारती बोर्ड से वाबस्ता हैं। तकरीबन 30 से ज्यादा मजामीन मुख्तलिफ रसायल और अखबारात की जीनत बन चुके हैं। कौमी सतह पर 29 और आलमी सतह पर 11 कॉन्फ्रेंसों में मखाले पेश कर चुके हैं। अभी तक आपकी ज़ेर निगरानी 1 तालिब इल्म ने MPhil और 9 स्कॉलर्स ने PhD की डिग्री हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद, इंचार्ज रजिस्ट्रार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मुद्दमाना दरख्वास्त करती हूँ कि वो हमें मुखातिब फरमाएं। प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, बाज़गश्त अदबी फोरम के सरपरस्त व रहनुमा बेग एहसास साहब, जनाब फिरोज आलम साहब, बकिया तमाम मुंतजमीन और जावेद कमाल साहब जिन्होंने आज मुसद्दस हादी का तबास पेश किया, और सभी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है कि आज मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आप लोगों के दरमियान शरीक हूँ। हाजरीन, सर सैयद के बारे में इससे पहले मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आ चुका है और मुख्तलिफ माहरीन, शोरा और उदबा की तसानीफ से हम इस फोरम के ज़रिए से तारुफ हासिल कर रहे हैं। जहाँ तक सर सैयद के बारे में मुख्तलिफ ख्यालात का सवाल है, उसमें एक बात बहुत नुकते की है, बहुत अहम है कि सर सैयद सिर्फ एक शख्स नहीं थे बल्कि एक तहरीक थे, और उन्होंने अपनी इस तहरीक से अपने मुख्तलिफ रुफ़ा को जोड़ रखा था। इन्हें हम रुफ़ाए सर सैयद को सर सैयद के 12 रतन के नाम से भी जानते हैं। इनमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डिप्टी नज़ीर अहमद, मौलवी ज़काउल्ला, राजा जयकिशन दास, मौलवी समीउल्ला, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क, मौलवी चिराग अली, सैयद महमूद, नवाब इस्माइल ख़ान शेरवानी और अल्लामा शिबली नोमानी जैसे माहिरीन शामिल हैं। जहाँ तक हाली का ताल्लुक है, ये बात सामने आ चुकी है कि उनका मुकम्मल नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली और वो पानीपत के रहने वाले थे। एक तालिब इल्म की हैसियत से बचपन से मैं चंद अशार सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, जैसे यही है इबादत यही दीन व ईमां कि काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, या फिर है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। एक रोशन दिमाग था, एक रोशन दिमाग था न रहा, शहर में एक चिराग था न रहा। बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में।
करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये वो अशआर हैं जो ज़माने तालिब इल्मी में भी बार बार सुनने का मौका मिला, और जब अगले दर्जात में असातिज़ा इकराम ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तारुफ करवाया, तब जाकर ये बात मालूम हुई कि इन अशार के शायर ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। एक गैर मामूली सी कशिश महसूस हुई उनकी शख्सियत में, एक जाज़वियत महसूस हुई, और बिलखुसूस जब इस शेर को पढ़ा कि माल है नायाब पर गाहक हैं इससे बेखबर, माल है नायाब पर गाहक हैं इससे बेखबर, शहर में खोली है हाली ने दुकान सबसे अलग। तो एक तजस्सुस पैदा हुआ कि ये सबसे मुख्तलिफ जो दुकान है इसके सामान को परखने की कोशिश करना चाहिए। बस इसके मुताले के तहत मुख्तलिफ बातें सामने आईं, अदब बराए अदब और अदब बराए जिंदगी इस मौजू पर जो बहस है एक लामुतनाही सिलसिला उसका है, और ये बहस भी मैं समझता हूँ कि मैंने हाल ही के हवाले से ही पढ़ी है। तख्लीकियत व मुकाबला मकसदियत या क्रिएटिविटी वर्सेस ऑब्जेक्टिविटी एक बहुत तवील बहस है, और उस बहस में जाने का यहाँ पर मौका नहीं है। जहाँ तक तख्लीकियत से, शेर व अदब से मुतालिक हाल ही के अपने ख्यालात हैं उसको समझने के लिए मैं समझता हूँ कि ये अशआर भी काफ़ी हैं। हाल ही फरमाते हैं, ऐ शेर दिल फरेब न हो तू तो गम नहीं, ऐ शेर दिल फरेब न हो तू तो गम नहीं, पर तुझ पर हैफ है जो न हो दिल गुदाज तू, सनत पे हो फरीकता आलम अगर तमाम, सनत पर हो फरीकता आलम अगर तमाम, हाँ सादगी से आइयो अपनी नबास तू, जौहर है रास्ती का अगर तेरी जात में, जौहर है रास्ती का अगर तेरी जात में, तहसीन रोजगार से है बेनियाज तू। इन अशार में शायर ने जिस अंदाज में अपना फलसफे शेर पेश किया वो अपने आप में बहुत वाज़े है। मकसदियत, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, हाली के नजदीक बड़ा गालिब पहलू रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके यहाँ तख्लीकियत नहीं है। बुनियादी तौर पर 17 साल की उम्र में गालिब के राबते में आना, उनसे इस्तेफादा करना, उनके फन और उनके फिक्र का एतराफ करना, ये बताते खुद इस बात का सबूत है कि शेर व अदब से हाली को गैर मामूली दिलचस्पी थी, शगफ था, जौक और शौक रखते थे। हाल ही की मुख्तलिफ तसानीफ पर बात ना करते हुए अगर हम मुसद्दस हाल ही पर अपने आप को रोक दें और आज की इस नशिस्त में सिर्फ उसी पर गौर कर लें तो भी बहुत काफी है। जहां तक मुसद्दस हाल ही का ताल्लुक है, हम जानते हैं कि सर सैयद अहमद खान से उनकी तहरीक से वाबस्तगी के बाद सन 1879 में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मद्दोजहदे इस्लाम या मुसद्दस हाली तहरीर की थी। अपने खुलूस, तासीर और शायराना दर्दमंदी के लिहाज से ये नज़्म एक शाहकार नज़्म है। ये न सिर्फ उर्दू की पहली तवील नज़्म है बल्कि पहली मकसदी और इस्लाही नज़्म भी कहलाए जाने के मुस्तहक है। वाकफियत, अफादियत और इज्तमाईयत के जो रुझानात यहाँ सामने आए हैं वो उर्दू शेर व अदब के लिहाज से बिल्कुल पहला तजर्बा है। पहली मरतबा
हाल ही ने अपने कलाम के जरिए साबित किया कि शायरी के जरिए और बिलखुसूस उर्दू शायरी के जरिए से भी इस्लाह और इनकलाब का काम लिया जा सकता है। खास बात यह है कि मकसदियत से भरपूर होने के बावजूद मुसद्दस हाली का कोई हिस्सा गैर दिलचस्प नहीं है। सारी नज्म एक बहर में तहरीर किए जाने के बावजूद शायर ने शेरी आहंग को बरकरार रखा है और यही वो तासीर है जो इसको एक शाहकार नज्म बना देती है। इस नज्म में बहुत ही सादा और आम फहम अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और बाद अशार ज़रबुल अमसाल की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। नज्म के मुताले से ये पता चलता है कि मौलाना अल्ताफ हुसैन आली तारीख और सकाफत के तई अपना एक नज़रिया रखते थे। हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि तारीख के तई मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ माहरीन अपने अपने मुख्तलिफ नज़रियात पेश करते रहे हैं। एक बात तो वो भी है जिसका इजहार पिदरम सुल्तान बूद जैसे जुमले से होता है कि हमारे आबा व अजदाद तो बादशाह थे, सुल्तान थे। अब बाज लोग उसी पर फख्र करते रहते हैं और वो फख्र जो है गुरूर की हद तक पहुंच जाता है, लेकिन उस दौर से उन्होंने क्या सबक सीखा? उन बादशाहों को, उन सुल्तानों को जो जवाल हासिल हुआ उसके अजबाब क्या थे, इस पर लोगों की तवज्जो नहीं जाती। अगर एक सिलसिला है, एक नस्ली सिलसिला है, आपका ताल्लुक किसी खास नस्ल से है, किसी खास कौम से है, किसी खास मिल्लत से है और उस मिल्लत का माजी बहुत दरख्शां है, तो यकीनी तौर पर आपको इस बात का हक पहुंचता है कि आप उस दरख्शां माजी पर फख्र करें। लेकिन सिर्फ फख्र करना काफी नहीं है। वो उरूज की जो कैफियत थी, जो हमारे आबा और अजदाद ने हासिल की थी, उसके लिए उन्होंने क्या जद्दोजहद की थी, क्या कोशिशें की थी, किस तरीके से इल्मी सरमाए को अपनाया था, इस पर भी गौर खौस करने की जरूरत है। अगर आप गौर करें तो तारीख के तई यही एक ऐसा नजरिया है जिसको हम एक मुतवाजन नजरिया कह सकते हैं कि जब कभी भी किसी कौम में, किसी मिल्लत में रिवायत पसंदी, जहालत, आपसी तफरका, नाइंसाफी, अदम मसावात, जुल्म ज्यादती और इस्तेसाल और इस तरह की तमाम बुराइयां, झूठ, गीबत, बोहतान तराशी, इस तरह की बुराइयां जब आम हो जाती हैं, तो फिर ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ऐसी कौम और ऐसी मिल्लत के हाथों से क़यादत का अलम छीन कर किसी ऐसी कौम को सौंपता है, किसी ऐसी मिल्लत को सौंपता है जो इन तमाम बुराइयों से पाक हों, या कम से कम ये बुराइयां उस कायद कौम के मुकाबले में इस नई कौम में कम पाई जाती हों, और ये नई कौम जदीदियत, इल्म व आगाही, हुनर व तहकीक, इत्तेहाद व इत्तेफाक, इंसाफ व मसावात, हमदर्दी और खैरख्वाही जैसी खूबियों से आरास्ता होती है। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो हमेशा से तारीख के हर दौर में कुदरत का उसूल रहा है कि क़यादत का अलम हमेशा एक कमज़ोर कौम के मुकाबले में उस कौम के हाथों में चला जाता है जो ताकतवर हो, जो बहादुर हो, जो मुत्तहिद हो, जो जदीद असलाह से लैस हो और जो इल्म और हुनर में बहुत आगे हो। आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल है यही कठिन कौमों की जिंदगी में,
मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, लेकिन जब इस तरह की मिसाल दी जाती है तो वो कौम जो अब जवाल पजीर कौम कहलाती है, जो तरक्की की मनाजिल को बहुत पीछे छोड़ चुकी होती है, उस कौम के सामने जब इस सबक को पेश किया जाता है तो उस कौम को एक तरीके से आईन नौ से डर महसूस होता है और वो अपनी पुरानी रिवायत पर कायम रहना चाहती है। हम बहुत ज्यादा मिसालों को यहां पर पेश नहीं करेंगे, खुद हमारी अपनी मिसाल दुनिया के सामने है कि जब हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा से उतरे और इकरा का पैगाम लेकर आए, और उस पैगाम को जब मुसलमानों ने बहुत मजबूती के साथ थामा और अपने अमल को अपने इल्म के ऐन मुताबिक ढाला, तो वो कौम जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो शेफर्ड या चरवाहे चरवाहों की कौम थी, वो बकरियां चराया करते थे और जिनके पास जो आप कमियां कहते हैं बुराइयां कहते हैं वो अपने इतने उरूज पर थी कि बेटियों को वो जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दफना दिया करते थे। मामूली बात पर अगर झगड़ा होता और खुदा ना खास्ता किसी का कत्ल हो जाता तो कत्ल का बदला लेने के लिए नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलता रहता और हर जाने वाला शख्स अपनी औलाद को ये नसीहत कर जाता कि फला कबीले के लोगों से बदला लेना बाकी है, और वो बेटा अपनी सारी जिंदगी उसी तगड़ों में रहता कि किस तरीके से मैं सामने वाले कबीले से बदला ले सकता। तो इस तरह की जो चीज है, इस तरह की जो तारीख है, उस तारीख के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और आपके उस पैगाम को कौम ने मिल्लत ने बहुत मजबूती के साथ थामा, तो चरवाहों पर मुश्तमिल वो कौम जो इन तमाम बुराइयों की आमाजगाह थी, उसी कौम ने मुख्तलिफ मैदानों में, सिर्फ सियासी मैदान में नहीं बल्कि इल्म व हिकमत के मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबियों के ऐसे झंडे गाड़ दिए कि दुनिया अशश कर उठी। लेकिन उसके बाद जब ये कौम ऐश परस्ती का शिकार हो गई और इसके बाद इसके अंदर मुख्तलिफ बुराइयां दर आईं, यहां तक के आपसी इत्तेहाद का शिराजा बिखर गया, जहालत आम हो गई, इल्म तहकीक से बहुत दूर हो गई ये कौम, तो उसके नतीजे में जिस सवाल का आज हम शिकार हैं हम उसको अच्छे तरीके से जानते हैं। ये जो नजरिया है तारीख का, इस तारीखी नजरिए को सामने रखते हुए अल्ताफ हुसैन हाली ने मद्दोजजर इस्लाम लिखी, और जाहिर है कि यहाँ पर उसकी शरह पेश करना मकसूद नहीं है। जनाब जावेद कमाल साहब ने इतने अच्छे अंदाज में उसकी किरत की कि वो अपने आप में बहुत वाजे थी। सर सैयद अहमद खान के मुतालिक ये बात कही गई है और बिल्कुल सही कही है कि बेशक उनका कौल है, बेशक मैं इसका मुहर्रिक हुआ हूं, मुसद्दस हाली से मुतालिक सर सैयद अहमद खान कह रहे हैं, एंड आई कोट, बेशक मैं इसका मुहर्रिक हुआ हूं और इसको मैं अपने आमाल हसना में से समझता हूं कि जब खुदा पूछेगा तू दुनिया से क्या लाया है, मैं कहूंगा मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया हूं और कुछ नहीं। फिर मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने भी लिखी ये बात कही है कि क्या ये कहने की, ये बताने की हाजत है कि अब तक कितने एडिशन पर एडिशन इसके निकल चुके, कितनी महफिलों में इसके बंद पढ़े जा चुके, वास की कितनी मजलिसों को ये गरमा चुका, कितने अदबी इम्तिहानों के निसाब में दाखिल हो चुका, कितने बूढ़ों की जवानों की लड़कों की जिंदगी में इनकलाबी असर पैदा कर चुका,
कितनों को रुलाकर ये रहा, असल सवाल ये है कि इस आन का और इस शान का, इस जमाल का और इस कमाल का उर्दू में कोई और मुसद्दस है भी? आई एन कोट। तो मुसद्दस हाली से मुतालक सर सैयद अहमद खान और मौलाना अब्दुलमजीद दरियाबादी के जो अक्तबासात मैंने आपके सामने पेश किए, वो मुसद्दस को समझने और उससे एक सबक लेने के लिए हमारे लिए बहुत काफ़ी है। आज इसका इंतखाब करके हमारे सरप्रस्त ने, मैं समझता हूँ कि हम तमाम को इस तारीखी नज़रिए को हमारे सामने फिर से एक मरतबा इसका तस्करा किया, इसकी याद दहानी करवाई, और मुझे उम्मीद है कि आज के इस अदबी प्रोग्राम को सिर्फ अदबी लिहाज से नहीं बल्कि एक फिक्री लिहाज से भी देखा जाएगा, और हमारे वो तमाम नाजरीन और सामईन जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, वो तारीख के इस नज़रिए को पेश नज़र रखते हुए अपने अपने दिलचस्पी के मैदान में इख्तिसास की कैफियत पैदा करने की कोशिश करेंगे, स्पेशलाइजेशन की कैफियत पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि ये दौर जो है, जैसे कहा जाता है कि वंस अपॉन ए टाइम मेरिट वॉज द मैटर ऑफ प्राइड, बट नाउ द मेरिट इज द मैटर ऑफ सर्वाइवल, कि किसी जमाने में मेरिट जो है वो फख्र करने की बात हुआ करती थी, लेकिन आज मेरिट जो है वो सर्वाइवल का, अपनी बका का मसला बन चुकी है। वही लोग बाकी रहेंगे, वही लोग तरक्की की मंजिलों पर गामजन रहेंगे जो अपनी मेरिट को बरकरार रख सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस इन इक्तबासात के हवाले से और मुसद्दस हाली के हवाले से यही बातें आपके सामने अर्ज करनी थी। मैं जनाब जावेद कमाल साहब का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने बहुत अच्छी गिरफ्त फरमाई, और मैं सरप्रस साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने मुसद्दस हाली के इक्तबासात को पेश करने का नज़्म फरमाया। मैं तमाम मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका इनायत फरमाया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, आपने हाली की शायरी की अहमियत और मकसदियत, मुसद्दस के शेरी आहंग, मौलाना हाली के तारीखी और सकाफती तारीख और सकाफत के तई नज़रियात और हाली के ज़र्बुलमसाल के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अशार के हवाले से हाली की शख्सियत और फ़न पर अपने ख्यालात का इजहार किया, और आज की पेशकश पर अपना आलिमाना तबसरा किया, जिसके लिए हम आपके ममनून हैं और शुक्रगुजार हैं। अब महफिल के शुरका से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आज की पेशकश पर अगर कोई अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हों तो अपना तबसरा मुख्तसर वक्त में पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूखी। हाँ, सबसे पहले जो है बाज़गश्त के मुंतज़िमीन और आज जो डॉक्टर जावेद कमाल साहब ने जिस अंदाज में मुसद्दस पेश किया है, मुबारकबाद। और उसके बाद सैर हासिल जनाब मसूद सिद्दीकी साहब ने पेश किया, मुसद्दस के बारे में दो चार बातें करते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि कौमी शायरी के हवाले से मुसद्दस को बड़ी अहमियत हासिल रही है, और मुसद्दस में मुसलमानों की उर्दू ज़वाल की जो दास्तान है, इस तरह का तस्करा आज भी ज़रूरी है। आज चूंकि हम नसर के दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग अफसाना और अगर कोई अच्छा सा नावल आ जाए तो नावल भी पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास शायरी में तवील नज़में लिखने का अब रिवाज ज़रा कम होता जा रहा है। और जैसे कहे हम देखते हैं कि हाल ही के बाद इकबाल के यहाँ शिकवा जवाब शिकवा में इस तरह की बातें हुई हैं, और हालिया अरसे के दौर में मुनव्वर राना ने महाजिर नामा के नाम से एक तवील नज़म लिखी है। तो मैं आज के इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि हमारी शायरी में भी अगर तवील नज़में लिखा जाने का जो सिलसिला जारी रहे, और इनमें इस तरह के मौजूद जिसमें मौजूदा हालात का जिक्र है, तो हो सकता है कि जैसे मुसद्दस उस ज़माने में मशहूर हुई है, आज भी जो है तवील नज़मों को लोग पसंद करने का रिवाज रहेगा। जैसे बेकल उत्साही के यहाँ भी हमने सुना है कि अच्छी सी नज़में वो पढ़ते थे, तवील नज़में। तो हाल ही का जो अदब बराए ज़िंदगी का नज़रिया था, इसकी आज भी अहमियत है। तो मैं आज के इस मौके पर सभी जो मुंतज़िमीन को मुबारकबाद पेश करते यही कहूँगा कि अगर उर्दू में मौजूदा ज़माने में भी
طویل نظم نگاری کا اگر کوئی سلسلہ جاری رکھے اور اس میں موجودہ حالات کی عکاسی ہو تو یہ طویل نظمیں آج بھی مقبول ہو سکتی ہیں. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر اسلم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈاکٹر محمد ناظم علی ریٹائرڈ پرنسپل نظام آباد سے بات کر رہا ہوں. جی ناظم علی صاحب. بیگ ایسا صاحب اور ان کے رفقاء کار کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس بازگشت کے ذریعے سے پوری دنیا میں نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ادبی عصری شعور پیدا کر رہے ہیں اور ایک ادب میں ادبی ماحول میں ایک نئے سسٹم کو نئی ٹیکنالوجی کو انہوں نے متعارف کروایا ہے. اور اس کے بعد میں جاوید کمال صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت والہنہ انداز سے اور پرسر انداز سے انہوں نے مسدس حالی کے اشعار کو پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ محمود صدیقی صاحب نے ہاں میرا یہ نظریہ ہے کہ جی مسدس حالی نے جو یہ کتاب لکھی ہے دراصل حالی کے دور میں مسلم معاشرہ میں جو اخلاقی برائیاں تھیں جو مختلف معاشرتی برائیاں تھیں اس کو انہوں نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. دوسری اہم بات یہ ہے صاحب بن کہ حالی کو ماضی کا احساس تھا. ماضی میں مسلمان جو ترقی کیے تھے جو تسخیر کائنات کا جو جذبہ تھا اس جذبے کے احیاء کے لیے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ حالی نے اس کا متن نظر یہ ہے اس نظم کا کہ مسلمان کیا تھے کیا ہو گئے اب کیا کرنا چاہیے. یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اعلیٰ عہدوں پر رہے اور ملک قوم کے لیے پوری اس کی باغڈور وہ سنبھالے کوکب تقدیر ان کے ہاتھ میں ہو اور تسخیر کائنات کا جذبہ ان میں پیدا ہو. یہ اس نظم کا متن نظر ہے اس نظم کا خلاصہ ہے. بہرحال آخری میں یہی بات کہوں گا کہ میں کیا تھے کیا ہو گئے اب کیا ہونا چاہیے یہ احساس دلانے کے لیے انہوں نے یہ نظم لکھی ہے. بحثیت مجموعی یہ مسدس حالی مسلمانوں کے لیے نشاط ثانیہ ہے تو اس کا شعور حاصل کرتے ہوئے مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے. شکریہ. جی بے حد شکریہ ڈاکٹر ناظم علی صاحب. میں آج کے پروگرام میں جناب سردار علی صاحب کا اور پروفیسر غیاث الرحمان صاحب کا بھی استقبال کرتی ہوں. اور آج کی پیشکش پر اگر کوئی اور تبصرہ کرنا چاہتے ہوں تو آگے آ سکتے ہیں. ابو احترام. اب میں بڑے احترام کے ساتھ ہمارے صدر جلسہ اور بازگشت کے سرپرست پروفیسر بیگ احساس صاحب سے ادباً التماس کرتی ہوں کہ وہ ہمیں صدارتی خطاب سے نوازے. پروفیسر بیگ احساس صاحب. محترم پروفیسر صدیقی محمد محمود صاحب، ڈاکٹر جاوید کمال صاحب، آج کی اس محفل کے ناظرین، سب سے پہلے میں جاوید کمال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں مسدس حالی کی قرأت پیش کی. صدیقی محمد محمود صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی اور بہت سی باتیں ہمارے سامنے پیش کی. اسلام کی عظمت کا بھی تذکرہ کیا اور ادب برائے زندگی کا جو نظریہ تھا سر سید تحریک کا اس کے بارے میں بھی آپ نے بات کی. اور سر سید اور عبد المجید دریابادی کے اقوال بھی پیش کیا. اب میرے لیے بہت کم رہ گیا ہے کچھ کہنے کے لیے، دو چار باتیں عرض کروں گا. پہلے تو یہ کہ حالی ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے. اردو میں ایسی بہت کم مثالیں ہیں کہ کسی فنکار نے ہر صنف میں تباہ آزمائی کی ہو. حالی نے ہر صنف میں کچھ نہ کچھ لکھا اور
अपने नक्श सब्त किए। बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छे नक्काद, बहुत अच्छे नसर निगार, बहुत अच्छे सवाने निगार और बहुत अच्छे मजमून निगार, ये सारी खूबियां हाल ही में थी। और हाल ही को इल्म हासिल करने का इतना शौक था कि कहा जाता है कि वो पानीपत से जो 55 किलोमीटर दूर है और उस जमाने में सवारियों की सहूलत नहीं थी, दिल्ली आए थे पैदल ताकि दिल्ली में इल्म हासिल कर सकें। और हाल ही गालिब और सर सैयद से बेहद मुतासिर थे। और ये जो तखल्लुस है हाल ही, ये गालिब का दिया हुआ तखल्लुस है। अब मुसद्दस के बारे में उसके अनुमान ही से साफ जाहिर होता है कि यह मद्दो जजर इस्लाम है, कि इस्लाम का मद्दो जजर वो हाल ही ने पेश किया। मुसद्दस हाल ही में हाल ही ने इस्लाम की अजमत के अलावा मुसलमानों के उरूज और जवाल की मंजूम तारीख लिखी। लेकिन जिस वक्त उन्होंने सर सैयद की फरमाइश की तकमील की तो उनको इस बात पर पूरा भरोसा नहीं था कि उनकी ये तवील नज्म इतनी मकबूलियत अख्तियार करेगी। इसके मुकदमे में हाल ही ने लिखा कि उनकी ये शायरी लखनऊ के दस्तरखान पे उबाली खिचड़ी जैसी है। तो अगर आपको इसमें कोई बात नजर नहीं आती तो आप इसको ना पढ़ें, या कोई बात नजर आती है तो आप इसको पढ़ें। लेकिन हाल ही ने यह नज्म दिमाग से नहीं, दिल से लिखी थी, और दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है। मद्दो जजर इस्लाम इतनी मकबूल हुई कि अब्दुल माजिद दरियाबादी का जो कौल है कि यह निसाब में शामिल हुई, वाज़ों में इसके इख्तिबासात पढ़े गए और बाज़ लोगों को पूरी की पूरी नज्म ज़बानी याद थी। अब जो मौजूदा दौर में तारीख मिटाने की कोशिश की जा रही है तो मेरा ख्याल है कि तारीख मिटाई जा सकती है लेकिन अदब मिटाया जा नहीं सकता। तारीख अगर अदब की सूरत इख्तियार करे तो वो हमेशा बाकी रह जाती है। हाल ही ने भी तारीख को मंजूम किया और फनकारी के जरिए से, अदब के जरिए से पेश किया, तो ये मुसद्दस हाल ही हमेशा बाकी रहने वाली नज्म है। मुसलमान दिन ब दिन जवाल का शिकार होते जा रहे हैं। हाल ही ने जिस वक्त नज्म लिखी थी वो 1879 का जमाना था, तो 1857 में गदर हुआ था और अंग्रेजों ने मुसलमानों से हुकूमत छीनी थी और मुसलमानों के साथ अंग्रेजों का रवैया बहुत खराब था। सर सैयद तहरीक में खुद सर सैयद ने इस बात की कोशिश की कि अंग्रेजों के सामने मुसलमानों की एक अच्छी सूरत पेश की जाए, एक अच्छी तस्वीर पेश की जाए। चुनाचे उन्होंने असबाब बगावत हिंद भी लिखा था और उनके रफ़क़ा ने सारी चीज़ें भुला कर लोगों की इसलाह का बेड़ा उठाया था और उसी इसलाह के सिलसिले में सर सैयद ने हाल ही से यह नज़्म लिखाई जिस पे उन्हें खुद फख्र था और उनका जो खौल था उसको बार बार दोहराया गया। और मुमकिन है सर सैयद ने जिस तरह से सोचा उसी तरह से मुसद्दस हाल ही लिखवाने पर अल्लाह उनकी बख्शिश भी कर देगा। यहाँ एक दो बातें मैं अर्ज करूँगा कि हाल ही ने इसको उबाली खिचड़ी कहा, लेकिन जब हाल ही इस्लाम के उरूज की बात करते हैं
दौरे जाहिलियत की बात करते हैं, फिर इस्लाम की आमद की बात करते हैं, फिर मुसलमानों में जो तब्दीली आई जिसकी तरफ सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब ने इशारा किया, और जो उरूज हासिल हुआ, और उसके बाद जो जवाल की उन्होंने कहानी सुनाई, तो उस पूरी नज्म में हाली का लहजा कहीं भी तल्ख नहीं होता। ये सबसे बड़ी खूबी है कि ऐसा लगता है कि कोई शख्स धीमे लहजे में हमारी कमजोरियों को बयान कर रहा हो, कहीं नसीहत आमेज अंदाज और तलखी हाली के लहजे में नहीं आई। एक फिक्रमंदी का एहसास पूरी नज्म पे छाया हुआ है, और अहाली ने जवाल के असबाब तलाश करने की कोशिश की। यहाँ एक बात मैं, जिसका ताल्लुक मुसद्दस हाली से नहीं है, लेकिन तस्करतन मैं अर्ज करूँ कि हाली ने जब एंग्लो अरबिक कॉलेज में मुलाजिमत की, तो उस वक्त उनको तसनीफ का बहुत काम रखा हुआ था, तो हैदराबाद से निज़ाम हैदराबाद ने हाली से पूछा कि उनको कितना वजीफा जारी किया जाए कि वो सुकून से अपने तसनीफ और तालीफ का काम जारी रख सकें। हाली की शराफत की इंतहा देखिए कि हाली ने कहा कि एंग्लो अरबिक कॉलेज से उनको 60 रुपये मिलते हैं, इतना पैसा अगर उनको दे दिया जाए तो वो तसनीफ और तालीफ का काम करेंगे। चुनाचे उनको वजीफा मंजूर किया गया, चूंकि अंग्रेजी सिक्का बड़ा हुआ था और हैदराबाद का सिक्का कम था, तो वो 60 रुपये के 75 रुपये हुए। और अजीब और गरीब बात है कि अंग्रेजी सिक्के को कलदार कहा जाता था और हैदराबाद के सिक्के को हाली कहा जाता था, तो हाली को 75 रुपये हाली वजीफा मंजूर हुआ। दूसरी बात ये कि बाद में 1891 में ये वजीफा बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया, तो जो हैदराबाद की खिदमात हैं सर सैयद और सर सैयद के रुफका के सिलसिले में, इनको भी याद करने की ज़रूरत है कि निज़ाम हैदराबाद चाहते थे कि हाली पैसे की फिक्र छोड़ के पूरी तरह से लिखने पढ़ने का काम करें। चुनाचे जितनी सवाने उम्रियां हाली ने लिखी, वो सब ये वजीफा मिलने के बाद उन्होंने सवाने उम्रियां लिखी या मुकम्मल की। ये चंद बातें थी जो अर्ज करना चाहता था। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब का और जावेद कमाल साहब का कि वो हमारी दरख्वास्त पे तशरीफ लाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिकल अदब जो जिसको लोग भूलते जा रहे हैं या हमारे तालिब इल्म उस तरफ तवज्जो नहीं करते, तो उनको यहाँ पेश किया जाए और उस पर गुफ्तगू की जाए। असलम फारूखी साहब ने कहा कि मौजूदा दौर में भी लंबी नज़मों की ज़रूरत है, तो ज़रूरत तो है, लेकिन हाली जैसी तासीर की भी ज़रूरत है कि महज तवील नज़में लिखने से कुछ नहीं होता। कौम का जो दर्द है और जिस तड़प को तड़प से हाली ने लिखा था, जो चीज़ को महसूस किया था, वो महसूस करने की ज़रूरत है, और तभी नज़्म तवील हो के मुख्तसर सीधे दिल को छूती है। और आज भी हमारे यहाँ बहुत से अच्छे फनकार हैं, तवील नज़में हालिया दौर में भी लिखी गई, जैसा कि उन्होंने कुछ नज़मों का तस्करा किया। उम्मीद खनफी ने भी सलसिलतुल जरस के अनवान से बड़ी तवील नज़म लिखी थी। तवील नज़में लिखी जाती रहीं तरक्की पसंदों के दौर में भी,
उसके बाद में भी और जदीदियत के दौर में भी, लेकिन हाल ही के इस तवील नज्म को जो मकबूलियत हासिल हुई, ये मकबूलियत शायद ही किसी और नज्म को हासिल हुई हो। यहाँ एक छोटा सा इशारा मैं करना चाहूंगा कि हाल ही के इस रंग को इकबाल ने कबूल किया, और बाद में इकबाल के यहाँ भी बहुत सी चीजें हाल ही से ली हुई महसूस होती हैं। इकबाल के लहजे में शिकोह है, हाल ही के यहाँ सादगी पाई जाती थी। ये चंद कलिमात थे जो मुझे अर्ज करना थी। मैं आप लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से सुना। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया प्रोफेसर बेग एहसास साहब, आपके पुरमग्ज़ बसीरत अफरोज़ सदारती खिताब के लिए हम आपके ममनून हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं डॉक्टर हुमैरा सईद साहबा से दरख्वास्त करती हूँ कि वो हदिया तशक्कुर पेश करें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर गुले राना, सबसे पहले आप ही का शुक्रिया अदा कर देते हैं। और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ जितने भी शुरका शामिल हैं, सभी का फर्दन फर्दन खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप जो हर हफ्ता पाबंदी के साथ हमसे जुड़ते हैं, ये हमें बड़ा हौसला बख्शती हैं, जिसकी वजह से हम हर हफ्ता कुछ नई क्लासिकी अदब से कुछ नई चीज़ लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। तो आज मुसद्दस हाली के चंद बंद आपके सामने पेश किए गए। सबसे पहले मैं डॉक्टर जावेद कमाल साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी बाज़गश की जानिब से, कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और उम्दा खिरत यहाँ पर की मुसद्दस की। आज के मेहमान खुसूसी जो हमारे साथ मौजूद थे, न सिर्फ आज बल्कि हमेशा ही हमारे साथ शरीक होकर हौसला बख्शते हैं। रजिस्ट्रार प्रोफेसर सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने मुसद्दस हाली पर अपने और अपने ख्यालात का न सिर्फ इजहार किया बल्कि हाल ही से उन्होंने जो तहरीक ली उसकी बाबत भी यहाँ पर बातें पेश की। आज के सदारती खिताब जो कि हमेशा की तरह हमने देखा कि कुछ अहम ऐसे नुकात लिए हुए था जो सबसे मुनफरिद थे, तो इसके लिए भी हम बाजगश के सरपरस्त प्रोफेसर बेग एहसास साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जिन्होंने तबसरे किए हैं डॉक्टर असलम फारूकी साहब और डॉक्टर नाजिम अली साहब, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में प्रोफेसर गयासुर रहमान साहब, प्रोफेसर नसीमुद्दीन फरीद साहब, सरदार अली साहब, गौस अरसलान साहब, मुल्कीत सिंह साहब, रेशमा परवीन साहबा और बहुत से नाम यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो हर हफ्ता हमारे साथ जुड़े रहते हैं। सभी का नाम लेना तो मुमकिन नहीं, लेकिन जितने भी हाजरीन शुरका इस नशिस्त से जुड़े हैं, सभी का बाजगश की जानिब से फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करती हूँ। बेहद शुक्रिया। बेहद शुक्रिया डॉक्टर हुमैरा सईद। अब मैं सदर साहब की इजाज़त से आज का ये इजलास ख़त्म करने का ऐलान करती हूँ।